नमस्कार, मैं नीरज अवस्थी और आप देख रहे हैं संस्कार समाचार। जियो समेत जब से सभी प्राइवेट कंपनियों के रिचार्ज महंगे हुए हैं, तब से लोग BSNL की ओर आ रहे हैं और लगातार पोर्ट करवाने वालों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। आज हम सागर में देखते हैं, सागर में क्या है, आप पोर्ट कराने आए? सिम नहीं नहीं हमें न्यू सिम चाहिए है। न्यू सिम चाहिए जी। काय की सिम ले रहे हैं? BSNL की। BSNL जी। तो क्या वजह है कि BSNL की ओर बढ़ रहे हो? BSNL का नेटवर्क हमारे यहाँ अच्छा मिल रहा है और चार्ज भी उसका कम है, तो इसलिए चार्ज बढ़े उसकी वजह से BSNL चार्ज भी बढ़ गए हैं और इसकी भी अभी नेटवर्क भी जियो के जो हैं अच्छे से नहीं आ रहे हैं जी। नहीं नहीं जियो के तो उसके अभी नहीं अच्छे, और BSNL के डेटा भी अच्छा मिल रहा है, रिचार्ज भी कम है और नेटवर्क भी अच्छा है हमारे यहाँ। तो हम ना कहीं सस्ता होना भी, हाँ सस्ता भी है, ये भी अच्छा है, सस्ते होने की वजह से जी जी सस्ता भी इसलिए भी जी। भैया आप पोर्ट कर रहे हो और सिम दे रहे हो तो अभी क्या स्थिति है पहले की अपेक्षा? सर हमने देखा है कि जब से रिचार्ज महंगे हुए हैं तब से BSNL की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लोग आ रहे हैं जियो की सिम लेके आ रहे हैं, उनकी सिम में रिचार्ज है वो BSNL पोर्ट करा रहे हैं। एयरटेल की सिम लेके आ रहे हैं वो BSNL पोर्ट करा रहे हैं। लोग नई सिम लेने के लिए BSNL की डिमांड कर रहे हैं, वो क्योंकि BSNL के जो प्लान है, रिचार्ज प्लान है वो कम है और उसकी जो वैलिडिटी है वो भी ज़्यादा है 45 दिन के लिए, और कंपनियां जैसे जियो है 28 दिन के लिए दे रही है, VI 28 दिन के लिए दे रही है, और अपनी BSNL जो है गवर्नमेंट सिम है ये 45 दिन का प्लान दे रही है। हाँ 45 दिन प्लान है ये, 45 दिन 45 दिन तक अनलिमिटेड कॉलिंग रहती है, साथ साथ 2 GB डाटा भी मिलता है रोज। हाँ पोर्ट करवाने पे तो 100 SMS में होते हैं, तो डिमांड जो है BSNL की बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अभी भी लोग आते हैं बहुत सारे, एक ही सिम की पूछते हुए आते हैं कि BSNL बस। तो पोर्ट कराने की क्या प्रोसेस है BSNL? अगर सर रिचार्ज होगा तो फ्री पोर्ट हो जाएगा, रिचार्ज नहीं होगा तो सामने वाला खुद अपने से रिचार्ज कर ले, पोर्ट हम फ्री कर देंगे, उसमें 45 दिन का रिचार्ज भी देंगे और 2 GB डाटा ही मिलेगा फ्री में। 2 GB डाटा फ्री में जी। तो कहीं ना कहीं जब से रिचार्ज अदर कंपनियों के बढ़े हैं तब से BSNL की ओर ज़्यादा आ रहा है। हाँ BSNL की डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है सर जी। सर आप भी सिम लेने आए हो? यस। BSNL? यस। तो क्या वजह है कि BSNL की ओर बढ़ रहा है? यही है कि अब देखो कंपनी ये कंपनी वाले ये करते हैं कि देखो रिचार्ज लेने का वो पैसे बढ़ा रहा है, लेकिन जो मंथ है ना मंथ के अकॉर्डिंग वो नहीं दे रहे। जैसे कि आप 149 का रिचार्ज प्लान है, अब एक महीने में 30 दिन होते हैं, लेकिन उसमें 30 दिन ही कहा कि 2 दिन कम कर दे। अब जैसे 149 का रिचार्ज करवा दे उसमें तो 14 दिन का क्या वैलिडिटी मिलती है और 1 GB डेटा मिलता है, तो उसमें क्या फ़ायदा, पूरा पैसा ले रहे हैं लेकिन उसके बाद भी क्या है 1 GB डेटा मिल रहा है, 14 दिन होते वैलिडिटी उसकी ख़त्म हो जाती। रिचार्ज प्लान क्या बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में इंसान कब तक इतने महंगे रिचार्ज करवा रहा है? इंसान की आज का इंसान के बाद इतनी आय नहीं है वो इतना महंगा रिचार्ज करवा। स्टूडेंट हो आप? यस। तो कहीं ना कहीं जेब पे भार पड़ता होगा है ना? यस बिल्कुल। अब क्या है इतनी वो महंगाई हो रही है, अब इतनी महंगाई कि पीछे और इंसान की जॉब भी नहीं मिल रही तो बहुत से यानी दिक्कत परेशानी होती है। यस हाँ हम BSNL में पोर्ट कराने आए थे सर, एयरटेल यूजर हैं हम। हाँ तो क्या वजह है पोर्ट करा रहे? रिचार्ज महंगा सर। BSNL की ओर जाना चाह रहे? हाँ BSNL का रिचार्ज भी सस्ता और पिकअप भी अच्छा मिल रहा है चलाने नेट का। हाँ आज पोर्ट करा लोगे? आज हम पोर्ट करा लेंगे, घर में सभी समय हम BSNL में पोर्ट कराएंगे, 6-7 समय BSNL में पोर्ट कराएंगे। हाँ जियो से हट के BSNL में आएंगे। तो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं जब से रिचार्ज बढ़े हैं तो सागर में भी लगातार BSNL की ओर पोर्ट कराने का सिलसिला चल रहा है। अब देखना ये होगा कि BSNL अपने नेटवर्क पर सुधार कर पाता है कि नहीं कर पाता, क्योंकि नेटवर्क को सुधारना BSNL के लिए एक बड़ी समस्या है। सागर से संस्कार समाचार, नीरज अवस्थी।